हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आम की बहुत ही टेस्टी मिठाई। चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ दो आम लिए हैं, इन्हें मैंने धो लिया है और इनका छिलका निकाल कर इसे काट लिया है। अब मिक्सर जार में डालकर इसकी प्यूरी बना लें। यह मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, आप इसे ज़रूर बनाएं। देखिए, आम अच्छे से पिस चुका है। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में पेस्ट डाल दिया है। अब इसके अंदर आधा कटोरी चीनी डाल दें। अब इसे अच्छे से मिला लें। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, इसमें चीनी बहुत ही जल्दी मिक्स हो गई है। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें ताकि ये कढ़ाई में ना चिपके। देखिए, इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। देखिए, अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। यह अब काफ़ी अच्छे से पक चुका है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब इसमें 50 ग्राम खोया मिला दें। यह खोया मैंने घर में ही बनाया है। अब इसमें 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालें। अब इसमें बारीक कटे बादाम और काजू डालें और इन्हें ब्राउन होने तक पका लें। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स पीस कर भी डाल सकते हैं। अब बादाम और काजू को आम वाले पेस्ट में मिला दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। और ठंडा होने के बाद एक बर्तन में निकाल लें। अब हम इसके अंदर आधा कटोरी कोकोनट पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी मिठाई बनाएंगे। अब इसको एक प्लेट में रख लें। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां लेकर इसके रोल बना लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह मैं इसके रोल बना रही हूँ। आप इसको जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। आप यह मिठाई 3 से 4 दिन के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे रोल बना लूँगी। अब प्लेट में 3 से 4 चम्मच ड्राई कोकोनट पाउडर डालें। अब जो हमने रोल बनाए हैं उस पर कोकोनट पाउडर लगा देंगे। देखिए, कुछ इस तरह। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगे वो निकाल दें। आप इस पर चांदी का वर्क और पिस्ता भी लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह सभी पर कोकोनट पाउडर लगा लूँगी। बनने के बाद इसे सर्विंग बाउल में निकाल लें और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करें। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।